कसरावत के नजदीक ग्राम नावड़ा तोड़ी जो कि नर्मदा का तटीय इलाका है, उपजाऊ जमीन होने से यहां बड़ी संख्या में खेती किसानी का कार्य किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां के किसान जंगली जानवरों से परेशान हैं जो आए दिन उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें जंगली सुअर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उनका शिकार करने के लिए क्षेत्र में तेंदुआ की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक वाक्या कल किसान सुरेश पाटीदार के खेत में देखने को मिला, जब एक तेंदुआ जंगली सुअर का शिकार करते वक्त खेत में स्थित कुएं में गिर गया। खेत मालिक जब खेत में पहुंचे तो उन्हें कुएं से तेंदुए की आवाज सुनाई दी। जब कुएं में देखा तो एक तेंदुआ और एक सुअर दिखाई दिया, जिनकी जानकारी उन्होंने तत्काल वन विभाग को दी। सूचना पाकर वन विभाग रेस्क्यू टीम को लेकर मौके पर पहुंचा और लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुआ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान कसरावत SDM अग्रिम कुमार भी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। तेंदुए को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत में पहुँच कर तेंदुए को देख रहे थे, इससे किसान की फसल को भी नुकसान पहुँच रहा था। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। ये तेंदुआ गिरा है, ये कब की घटना है और आपको कैसे मालूम हुई है? सर मैं अभी दवाई छिटने आया था कपास में। कितने बजे? सर ये 8:30 बजे। हाँ 8:30 बजे आया तो एक टंकी मैंने दवा छीट दी, उसके बाद आके मैं दूसरी भरने लगा, जब इसमें आवाज आई तो मैंने कहा खतरनाक आवाज आई, तो मैंने कहा यार देखो से क्या है इसमें, तो देखा तो तेंदुआ पड़ा हुआ था और सुअर दोनों। तो फिर मैंने सूचना फायर वालों के नंबर तो मेरे पास नहीं थे, पर मैंने अपने परिचय वालों को नंबर दिए, खेत पड़ोस वालों को, मोहन भाई को, राजू भाई को, लाला को, इनको फोन लगा के फायर स्टेशन खोल कर, छोटा भाई है मनोज उसको फोन लगवाया, उसको भेजा फायर स्टेशन उसमें और उसको बोला कि सब ये सूचना दे के सब आए। तो फॉरेस्ट वाले आ गए हैं? हाँ आ गए। अच्छा अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं सुरेश पाटीदार। खेत आपका ही है? हाँ मेरा ही है और छोटे भाई का है, तो मनोज पाटीदार। हाँ ठीक है, ये मेरा भैया छोटे मनोज पाटीदार। आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ जरूर कहेंगे, कोई प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं है, आए दिन सुअर उन हमारे खेतों में नुकसान करते रहते हैं, उसका जवाबदार कौन? तेंदुए एक नहीं है और भी हैं, और इसके पहले भी यहाँ पे तेंदुए दिखते रहे हैं। एक बार यहीं पे मजदूर काम कर रहे थे, उनको शेर ने डकार मारी, वो भगा और सब मजदूर भी भागे। तो यहाँ पे प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि भाई उनको पकड़े, पिंजरा लगाए, कुछ भी किसानों की सेफ्टी करे। अब किसान के पास कुछ निहत्ता आता है, उसके पास कुछ नहीं रहता, तो बहुत जरूरी है कि शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और एक मेन प्राथमिकता ये भी है कि इसमें सुअर बहुत परेशान करते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, बहुत नुकसान करते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि यहाँ तेंदुए के लिए भी पिंजरा लगाए, सुअर के लिए भी कुछ व्यवस्था करे, या फिर हम किसानों को अनुदान दे जो हमारी फसल का मुआवजा दे, नुकसान जो भी हुआ है, यही मेरे सरकार से विनती। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं संजय कुशवा, शिवानी वस्त्रालय कसरावत। सर ये एक तेंदुआ कुएं में गिर गया था किसान के खेत में और रेस्क्यू इसमें किया गया, सफल रेस्क्यू किया गया, और क्या जानकारी सर दी? सहायता हमारा गांव है कसरावत सब डिवीजन का, जिसमें सुबह जो यहाँ के लैंड ओनर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई 8:30 बजे कि जो इनका कुआं है उसमें एक लेपर्ड गिरा हुआ है और एक वाइल्ड पिग भी है। तो सूचना मिलते ही हमारी फॉरेस्ट टीम एक्टिव हुई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो रेंजर साहब हैं उनकी टीम है, उन्होंने यहाँ 10 बजे से लगातार 2 घंटे सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट किया। अब जो लेपर्ड है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, जो वाइल्ड पिग है उनको भी छोड़ दिया गया था, तो फॉरेस्ट की टीम को बधाई और उनकी वजह से सक्सेसफुल रहा रेस्क्यू और कोई भी जनहानि नहीं हुई। सर कितनी इसमें मशक्कत करना पड़ा, पिंजरा बुलाया गया, इसमें करीब ग्रामीण भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद जी, इसकी पूरी डिटेल्स वैसे आपको फॉरेस्ट रेंजर दे पाएंगे कि क्या टेक्निकल चीज़ें थी, बट जब से मैं यहाँ पे प्रेजेंट था तब से काफ़ी ईजिली जो हमारे गाँव के लोग हैं उनके सहयोग के साथ पिंजरे को नीचे डाला गया, जाल बिछाया गया ताकि वो जो हमारा लेपर्ड भी है उनको भी हानि ना हो और सक्सेसफुली रेस्क्यू कंप्लीट हो सके एंड बिना किसी इशू के रेस्क्यू कंप्लीट हुआ। जंगली सुअर भी पकड़ा था, वो यहीं छोड़ दिया गया? जंगली सुअर एस्केप किया था, जब मैंने देखा था तो वहीं से एस्केप करता हुआ गया था, तो शायद उसको पकड़ नहीं पाए थे बट वो निकल गया था। सर ये खेत में जो नुकसान हुआ है इसका भी कुछ किया है क्या? इसका एक फसल नुकसानी का प्रकरण बनता है जो फॉरेस्ट के माध्यम से हमें फॉरवर्ड होता है, तो वो हम प्रोसेस करा देंगे, किसान के द्वारा भी हमें सूचना दे दी गई है तो उसको हम विधिवत मुआवजा देंगे विधि अनुसार।
तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया गया, वन विभाग की पूरी टीम भी मौजूद थी यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारी भी थे। किस तरह का सर गिरा था और क्या रेस्क्यू की किस तरह से किया गया? लगभग सुबह 9 बजे करीबन मुझे सूचना मिली थी इसकी, फिर मैंने तुरंत स्टाफ को मौके पर भेजा। ये एक कुएं में गिरा हुआ था लेपर्ड, और साथ में जंगली सुअर भी था। हो सकता है रात में शिकार के चक्कर में जंगली सुअर और दोनों कुएं में गिर गए होंगे। जैसे सूचना मिली तत्काल हमारी टीम मौके पे पहुंची, काफ़ी सारे ग्रामीण भी थे मौके पे, इसलिए हमने पहले प्रशासन को खबर करी, पूरी टीम को बुलाया, पुलिस का पूरा सहयोग लिया, स्वयं SDM साहब को मौके पे बुलाया, और सभी ने मिलके, और एक हमारी एक रेस्क्यू टीम भी है मल्लेश्वर से स्पेशल, हमने उनको बुलाया था, उन लोगों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया और गांव वालों ने भी पूरा सहयोग किया, इस सफल रेस्क्यू किया इस लेपर्ड का, और जंगली सुअर को भी सफल हमने बचा लिया। अब आगे हम इस तेंदुए को बड़वा के जंगलों में सुरक्षित छोड़ने हैं। किसानों की शिकायत है कि इधर तेंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे उनके मन में भय व्यक्त है, खेत में काम करते आते वक्त हर वक्त भयभीत रहते हैं, इसको लेकर कोई कार्रवाई की जा रही है? ऐसी कोई मुझे सूचना ऐसी कुछ मिली नहीं कि भयभीत है लोग तो खुश भी है। कुछ लोगों का मेरे पास पॉजिटिव रिपोर्ट यही है कि उन लोगों के इस तेंदुए के कारण जंगली सुअरों की संख्या कम होती जा रही है, वो लोग खुश हैं। ये बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट है। कुछ लोगों ने कहा होगा कि लेपर्ड से या हमारे तेंदुए से परेशान है, लेकिन तेंदुए से नहीं है, वो खुश है इस बात से कि किसानों की फसल बच रही है, क्योंकि उनके जो जंगली सुअर उनकी फसल नुकसान कर रहा है, उनको ये तेंदुए की पॉपुलेशन उनको कंट्रोल कर रही है। सर एक बात, इलाके में जैसे सुअर को पकड़ने के बाद ये खेत में ही वापस छोड़ दिया गया, वो उस सुअर का थोड़ा दिक्कत था, मतलब वो काफ़ी रात से वो पानी में था, हो सकता था उसकी डेथ हो सकती थी, इसलिए उसे सुरक्षित करना जरूरी था। हमारा पहला दायित्व वन्य प्राणी को सुरक्षित करना है, बाद में दूसरी चीज़ है। अगर किसी की फसल को नुकसान हुआ तो उसका बाकायदा नियम कायदा बना हुआ है, राजस्व विभाग से उसको मुआवजा मिलेगा। अगर जिसका फसल नुकसान भी हुआ उसको बाकायदा हम प्रकरण बना के उसको मुआवजा दिलवाएंगे। लगभग कितने तेंदुए सर इस इलाके में होने की अनुमानित? 5-6 हो सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं? सचिन सैदे। तेंदुआ भी जो है रेस्क्यू किया गया, इसमें कुएं में गिर गया था, सुअर भी गिर गया था शिकार के चक्कर में, किस प्रकार से इसमें रेस्क्यू किया? ये हमें सुबह जानकारी मिली थी कि कुएं में सुअर और तेंदुआ गिरा है, तो शिकार के चक्कर में ये दोनों गिरे हैं, तो ये कब गिरे हैं ये तो बता नहीं सकते, पर रात में गिरे हैं, और जैसे हमको सूचना मिली हम लोग आ गए यहाँ पर, और सबसे पहले तो सुअर को रेस्क्यू किया हम लोगों ने, और उसके बाद पिंजरा बुला करके और पिंजरे में तेंदुए को रेस्क्यू किया। कितना बड़ा तेंदुआ था? और ये मैच्योर है और अभी नर या मादा है अभी तो हम लोग देख नहीं पाए इसको। कितने घंटे इसमें रेस्क्यू करने में लगे, कितनी चुनौती थी? क्या टाइम हो रहा? अभी हम लोग 11 बजे हम आ गए थे यहाँ पे, और अभी 2.5 से 3 घंटे लगे हमको, दोनों को रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित हैं। कसरावत तहसील में कौन सा रेस्क्यू, कितने रेस्क्यू कर सके? ये हमारा कसरावत तहसील में तेंदुए का दूसरा रेस्क्यू है, इसके पहले एक तेंदुए का बच्चा रेस्क्यू किया था हम लोगों ने, उसके बाद ये दूसरा रेस्क्यू है। अभी कहाँ छोड़ रहे हैं इसको? इसको तो अभी जहाँ पे भी अधिकारी निर्देशित करेंगे वहाँ पे छोड़ेंगे इसको। क्या नाम लिखते हैं? नवीन कुमार, इको वेलफेयर सोसाइटी मंडलेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।